क्या आपका बोया मैक जो है चल नहीं रहा आपके, या पीसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, या आपके गेमिंग लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे मेक श्योर कीजिए कि आपके बोया मैक में बैटरी होनी चाहिए, और जहाँ पर बटन लगा हुआ है कैमरे वाला और स्मार्टफोन का, सिंपली आपका जो बटन है कैमरे की तरफ होना चाहिए, यानी माइक में आपका कैमरा मोड ऑन होना चाहिए और माइक के अंदर बैटरी होनी चाहिए। उसके बाद हम माइक को अपने कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के अंदर। उसका विंडोज के बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है कंट्रोल पैनल, यहाँ से जाना है हार्डवेयर एंड साउंड पर और साउंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिंपली अपने रिकॉर्डिंग में जाना और आपको यहाँ पर माइक दिखा देगा। अगर इसके बार्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपका मोबाइल जो है सही चल रहा है, अगर बार्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं तो सिंपली कॉन्फिगर पर क्लिक करना है, सेटअप न्यू माइक्रोफोन पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन यानी अदर वाला ऑप्शन को चूज़ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है फिर से, और जो पैराग्राफ ऊपर देगा आपने वो सिंपली वो पढ़ना है, और जो है बार ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब आपका मोबाइल जो है पीसी में डिटेक्ट हो चुका है, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो माइक यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। अगर अब भी आपका जो है माइक यहाँ पर सेट नहीं होता है तो एक और मेथड है, तो नेक्स्ट आपको इस तरह का एक यूएसबी अडैप्टर चाहिए, ये आपका जो है यूएसबी साउंड कार्ड होता है, सिंपली आपने क्या करना है इसके अंदर अपने माइक को फिट करना है, तो इस तरह का यूएसबी माइक चाहिए होगा आपने क्या अपने बोया माइक को उसके माइक वाले ऑप्शन में लगाना है और फिर अपने यूएसबी को कनेक्ट कर देना है अपने लैपटॉप के अंदर। सर विंडोज बटन पर क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है, फिर से हार्डवेयर एंड साउंड पर जाना है और साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में जाना है, और यहाँ पर यूएसबी माइक दिख जाएगा, यूएसबी पीएचपी अवेलेबल। देखिए इसके बार जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो माइक है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर अब भी काम नहीं कर रहा तो वापस वही सेटअप करना है, कॉन्फिगर पर जाना है, सेटअप न्यू माइक करना है, अदर्स पर चूज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये जो पैराग्राफ वो पढ़ना है और आपका जो है नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट का बटन ओनेबल होता है पढ़ने के बाद आपका जो माइक यहाँ पर काम करने लग जाएगा। उसका लेवल्स में जा आप प्रॉपर्टीज में जाकर इसके लेवल्स चेक कर लीजिएगा और लेवल्स को भी बढ़ा दीजिएगा ताकि आपका मोबाइल जो है अच्छे से आपका जो माइक है वो अच्छे से काम करने लग जाए, और यहाँ से अपने ओके कर देना है और आपकी जो दिक्कत जो आ रही थी बोया माइक के रिकॉर्डिंग वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। आप स्पीकर पर राइट क्लिक के साउंड सेटिंग में जाकर भी देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से माइक अनेबल है, लाइक यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस में मेरा जो है पीएचपी वाला जो है यहाँ पर अनेबल दिखा रहा है और नीचे साउंड वॉल्यूम दिख रहा है आपका, यहाँ पर पता लग रहा है कि आपका जो माइक है वो टर्न ऑन है।